तो गाइस आज मैं माइनक्राफ्ट में हार्डकोर 100 डेज चैलेंज कर रहा था और चैलेंज करते वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे साथ क्या हुआ ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस यूजुअली मैं माइनक्राफ्ट में स्पॉन हुआ था और स्पॉन होते ही मुझे ये वर्ल्ड थोड़ी अजीब सी लगने लगी और उसके बाद मैंने थोड़े से पेड़ काटे, क्राफ्टिंग टेबल बनाई और सारे बेसिक टूल्स बना लिए, सारी चीज़ें बना ली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन लेकिन गाइस जब मैं वुड कलेक्ट कर रहा था तो उस समय मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट मैंने उसे इग्नोर कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा फूड कलेक्ट किया क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फूड भी कलेक्ट कर लिया और शीप्स को भी मार लिया जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग की। तो गाइस जब मैं घर बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था तो मुझे लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, बट मैंने उसे भी इग्नोर किया। मैंने सोचा कोई जानवर होगा क्योंकि मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी इस वर्ल्ड में। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया। और रात भी बहुत हो रही थी तो मैंने सोचा मुझे घर बना लेना चाहिए, और क्योंकि बाहर रुकना भी ठीक नहीं है और हम बाहर सो के रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। और मैंने जल्दी जल्दी से घर बना लिया और जैसे कि आप देख सकते हो। और जैसे ही मैंने घर बना लिया तो मुझे याद आया कि मैंने बेड तो बनाया ही नहीं और सनसेट था, रात होने ही वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से मैं शीप्स को मारकर बेड बना लूं। और मुझे 3 वुल भी मिल गई थी और वुड तो मैंने बहुत सारी कलेक्ट कर ही ली थी। और उसके बाद थोड़ी बहुत माइनिंग भी की और थोड़े बहुत कोल इकट्ठा किए और टॉर्च बनाई। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी तो मैंने जल्दी से बेड क्राफ्ट किया और मैंने सोचा मुझे अब सो जाना चाहिए। और बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। तो गाइस जैसे ही मैं बेड पर क्लिक करने वाला था तो मुझे बाहर से एक आवाज़ आती है और मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे गेट खोलना चाहिए, लेकिन ये हार्डकोर वर्ल्ड थी तो मुझे रिस्क भी नहीं लेना था। लेकिन बाहर मुझे एक चेस्ट दिख रहा था तो मुझे लगा क्या पता उसमें कुछ गिफ्ट होगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। तो गाइस जैसे ही मैंने गेट को खोला तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, तो उसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा।